أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. देखो आप लोगों को मैंने पहले बताया था, और रोजाना अलग अलग पढ़ने का जो मैंने रखा है वो भी सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से शुरू की जाती है, किस तरीके से क्या है हदीस को पढ़ा जाता है। आप हजरात आकर किताब खोलकर बैठ जाते हैं और बस साल भर न तो पढ़ने का मौका होता है न कुछ होता है, और आखिर में सनद मिल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि थाना का माना क्या है और अन्ना का माना क्या है। इसी वजह से मैंने रखा था कि हर एक आदमी रोजाना पढ़े ताकि कम से कम वो पूरी तैयारी के साथ आए। आज जिस दो साहब पढ़ रहे हैं, जरा इनका चेहरा भी तो दिखला दो। चलो नहीं दिखला दे कोई हरज की बात नहीं, इनको इतना पता नहीं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले वबी सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमम पहले पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह से किताब शुरू कर दी और फिर बाद में कहते हैं वबी सनदिल मुत्तसिल, कैसे बेवकूफ बना रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। इस तरीके से बेतवज्जुही के साथ पढ़ना मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा ये वक्त है, बहुत कीमती वक्त है, इस वक्त को जरा मेहनत कर लो। 8 साल 9 साल मेहनत नहीं की थी, लेकिन इस 1 साल के लिए मेहनत कर लो ताकि कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे। खैर बहरहाल शुरू करो। وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم بدي إمام بخاري نے لکھا ہوگا کہ نہیں بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعدي. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد آئندہ کل سے جو عبارت پڑھنے والا ہو وہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ کر پڑھے تاکہ مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کون عبارت پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جگہ عبارت پڑھنے والے کے لیے خالی رکھو جی कल मैंने कहां पर छोड़ा था याद नहीं है। कह दो ना कि जिस तरह तुझे याद नहीं है इस तरह हमें भी याद नहीं है। और क्या बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 9000 शागिर्दों को बुखारी शरीफ पढ़ाई है। फिर और 6000 अहादीस है जो मुकररात है और 2000 अहादीस इस तरह जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आदमी था, उसने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा मदरसे में। वो पढ़कर आ गया तो उसने बहुत शानदार लोगों की दावत की कि भाई मेरा लड़का आलिम बनकर आ गया। दावत खाने वाले में हमारे तुम्हारे जैसे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि ये पढ़ के तो आ गया लेकिन पढ़ा है या वैसे ही है, जरा इम्तिहान लेना चाहिए उनका। तो उन्होंने कहा कि मुल साहब बहुत खुशी हुई आप पढ़कर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बन गए, पूरे गांव में आज आपके जैसा कोई नहीं है। खूब तारीफ की, और तारीफ करने के बाद कहा
कि सर जामी जो है ये क्या है नहु की किताब है, इब्तिदा में पढ़ाई जाती है, इसमें एक इबारत है अल्हम्दुले वली ही, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि नहीं सर जामी जी? अच्छा, उसमें है ये इबारत अल्हम्दुले वली ही जी? अच्छा अच्छा, तो इसमें वाव कौन सा है? अब वो लड़का तो आप ही के जैसा माहिर था, सोचने लगा वो, और सोचने के बाद उसने कहा कि वाव हुरुफे आतिफा है। जाहिर बात है कि उसने वलिया। अच्छा अच्छा, रहने दे, रहे अपने इस्तेदाद रहने दे, बस अपने पास रहने दे। अल्हम्दुलिल्लाह वली, उसने कहा कि वाव हुरुफे आतिफा है, और सबको पता चल गया कि इसको तो कुछ पता वता है नहीं, लेकिन उसका अब्बा जो है वो बहुत खुश, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे को इल्म आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने उसके अब्बा को पूछा कि हजरत आप किस चीज पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे ने तो गलत जवाब दिया, कहा कि मैं इस बात के ऊपर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरे बेटे को इतना तो इल्म है कि वाव हुरफे आतफा के लिए भी आता है। समझे? मैं बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह। चलो कल एक बात आप हजरात ने सुन रखी थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से 90,000 लोगों ने पढ़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना। मैंने किस बात पर खत्म किया ये पूछा, मैंने ये नहीं कहा था कि कल मैंने क्या बताया था, कल क्या बताया था उसका तो जवाब ये हो सकता है, लेकिन कहाँ पर खत्म किया था उसका जवाब नहीं है, वो मैं देखना चाह रहा था कितना आप लोगों को याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमईन, अम्मा बाद। बात इस पर चली थी कि अशदुल बला अलंबिया थुम अलमसल फलमसल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और उस पर बताया था कि नबियों में सबसे ऊंचा दर्जा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो आजमाइश भी और मुसीबतें भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे ज्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। अब उसके साथ अब जो आदमी जितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में करीब होगा उसको भी अल्लाह तबरक व तआला की मोहब्बत उतनी ही हासिल होगी, उसको भी अल्लाह तबरक व तआला का कुछ नसीब होगा और उसकी भी अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से आजमाइश होगी। कुरान पाक में भी अल्लाह तबरक व तआला ने फरमाया है कि वला नब्लुवन्नकुम, मैं तुमको आजमाऊंगा और देखूंगा कि क्या हाल है। तो अल्लाह तबरक व तआला तो सब कुछ जानता है, लेकिन हम लोगों के अंदर में सब्र है या नहीं है, या सब्र है तो कितना है, और हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ है या नहीं है, उस चीज का इजहार करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आजमाया करते हैं। खैर, एक दूसरा मसला है कि आजमाइश क्यों होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसकी बहस यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो ये बताना है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इतने ऊंचे दर्जा पर पहुंचने के बावजूद, इतने ऊंचे मुहदीस होने के बावजूद कि दुनिया में बहुत ही कम, सिर्फ 2 या 3 आदमी ऐसे गुजरे हैं कि जिनको हुफ्फाज़े हदीस का दर्जा दिया गया है, जिनमें एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि वगैरह। बहरहाल, इतने होने के बावजूद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से लोगों ने बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को बहुत ज्यादा सताया, और उसी पर मैंने गुज़िश्ते कल बताया था कि देखो आइंदा भी आप हजरात के सामने भी अगर ऐसा मौका आए, कुछ आजमाइश आए, कोई परेशानी आए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना, उस आजमाइश के लिए, उस परेशानी के लिए, सामने वाले से मुकाबला के लिए मत डर जाना, ये हमारा तरीका नहीं है। बहरहाल, हमारा तरीका तो रुजू इलल्लाह है, और यही होना चाहिए। खैर, तो इस पर मैंने बताया था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरा सुलूक किया, और उस बुरा सुलूक करने की जो वजूहत थी, उस वजूहत में से मैंने 3 वजह आप हजरत के सामने जिक्र की थी। पहला तो यही है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हनफियों का दौर था, हनफियों का जमाना था, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा दिया कि एक ही बकरी का अगर 2 बच्चों ने दूध पिया हो तो उस सूरत में हुरमत रजाअत साबित होगी या नहीं है,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमा दिया कि साबित होगी। बहरहाल इस किस्से को बाद हजरात ने गलत भी कहा है कि इतना बड़ा आदमी और ऐसी सारी गलती नहीं हो सकती, लेकिन जिक्र किया जाता है इस वजह से मैंने बताया। इस वजह से कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहनाफ के मुखालिफ भी हो गए, चुनांचे आगे भी उसका तस्करा आएगा। खैर, दूसरी वजह ये बताई थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने को उस जमाने का जो वहाँ हाकिम था, उस हाकिम ने बुखारी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कही और उसके लिए उन्होंने शर्त लगाई कि जिस वक्त मेरा बेटा पढ़ेगा उस वक्त दूसरा कोई भी आदमी शरीक नहीं होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कह दिया कि ये इल्म है, इसके लिए मैं कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, जिसका जी चाहे आए बैठे पढ़े, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। बादशाह को या उसका हाकिम जो था, उस हाकिम को क्या नाराजगी हुई और इस वजह से उन्होंने, जैसे आजकल हुआ करता है कि वो हाकिम फिर उसको मुल्क बदर कर देते हैं और शहर से निकाल देते हैं, इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी दूसरी बात में बहाना करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुखारा से निकाल दिया। बहरहाल से बुखारा से निकालने के बाद फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तीसरी वजूहत भी पेश आई जो खल्के कुरान के सिलसिले में थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हक थे और क्या है, दूसरे जो थे खुद अपनी पार्टी के आदमी, लेकिन क्या वो मुखालिफ हो गए। और चौथी वजह और उसकी खास वजह आम मतन यही होती है कि अहले इल्म में हसद का मादा ज्यादा होता है, तो बाद हजरात ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुव्वत हाफजा से, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात से हसद पैदा होना शुरू हो गया और हसद होने की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक गलत बातें फैलानी शुरू की और इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहीं टिकने का, रहने का मौका नहीं मिला और हर जगह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को क्या है निकाला जाता रहा। आमतन मैंने कल मिसालें भी बताई थी कि आमतन ऐसा होता है और क्या है आदमी के लिए जमीन को तंग कर दिया जाता है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसी तरीके से हर जगह से क्या है परेशान कर, किसी जगह भी गए थोड़े दिन रहे कि वहां के हसीद पैदा हो गए, उन हसदों ने इमाम बुखारी के खिलाफ ऐसा क्या है मशगला शुरू कर दिया कि जिसकी वजह से दूसरे हजरात भी क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुखालिफ हो गए और फिर उस सूरत में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस जगह को छोड़ना पड़ा। चुनांचे इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह समरकंद के लोगों की दावत के ऊपर समरकंद जाने लगे। वहां लोगों ने दावत दी कि आप यहाँ आ जाइए, हमारे पास रहिए और हम आपके साथ अच्छी तरीके से पेश आएंगे और आपके उलूम से, आपके फैज से फायदा हासिल करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह समरकंद जाने के लिए तैयार हुए। रास्ते में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जा रहे थे, एक जगह है, एक छोटा सा गांव होगा, एक जगह होगी, उस जगह का नाम था खर तंग। खर के माने फारसी में आते हैं गधे के और तंग के माने आते हैं शॉर्टेज के, कम पड़ जाने के। तो चूंकि वहां से उस जमाने में जैसे आजकल हमारे यहाँ गाड़ियां चला करती, इस तरीके से गधे पर की शॉर्टेज होने की वजह से उसका नाम ही खरतंग पड़ गया। तो बहरहाल खरतंग एक देहात का नाम था, एक जगह का नाम था, वहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कायम पजीर थे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को समरकंद वालों ने दावत दी थी, इस वजह से वहां से वो समरकंद जाने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन रमजान का महीना गुजर गया और आखिरी दिन आ गए और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खरतंग जाने का इरादा किया, लेकिन उसी वक्त फिर उनको ये पैगाम मिल गया कि समरकंद में भी आपके खिलाफ हवा शुरू हो गई है और समरकंद के लोगों ने भी ये तय कर रखा है कि आपको वहाँ ठहरने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे और मुखालिफत करेंगे। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जी बहुत ही बुरा हुआ कि अब ये समरकंद वालों ने भी
क्या साथ देने से इनकार कर दिया, इस वजह से हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, या अल्लाह वाकत अलैय अर्दी, मुझ पर जमीन तंग हो गई है, मेरे लिए रहना मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ही है कि मुझे मौत दे दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ, रमजान का महीना था, आखिरी रात थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली, और लैलतुस्सब्त शनिचर की रात थी, लैलतुस्सब्त में ईशा के बाद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सन 256 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के लिए मैंने बताया था कि जुमा की नमाज के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई, जुमा का दिन गुजरा, शनिचर का दिन गुजरा, और शनिचर के दिन क्या है, ईशा के बाद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का क्या है, खरतंग में इंतकाल हो गया। बहरहाल इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की एक जमात के साथ किसी जगह पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। मैंने सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं और किसका इंतजार है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मोहम्मद इब्ने इस्माइल आ रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ख्वाब खत्म हो गया, वो जमाना मोबाइल का तो था नहीं। ये फरमाते हैं, हम मोहब्बी फरमाते हैं कि मैंने वो जो मैंने सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी सुनाई दे रहा है। ये क्या क्या चक्कर चला रहे हो तुम थोड़ी थोड़ी देर में? वो जूम ऐप में जो ज्वाइन है उनकी तरफ से कुछ आवाज आ रही है, जो इसमें ज्वाइन हो जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक उन्होंने, तो मैं कह रहा था कि वो जमाना जो था वो मोबाइल का जमाना नहीं था, एक जगह की खबर दूसरी जगह के पहुंचने से सालों वो महीनों लग जाया करते थे, तो वो मुहद्दिस सुना था कि मैंने वो ख्वाब और वो वक्त वगैरह लिख लिया, और फिर जब मुझे मुद्दत के बाद इत्तिला हुई कि मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया है, तो वो वक्त जिस वक्त मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार करते हुए देखा था वो बिल्कुल वही वक्त था। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस तरीके से इंतकाल हो गया। दूसरे दिन ईद का दिन था, और ईद के दिन ईद जोहर की नमाज के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खरतंग, जिस जगह पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कायम पजीर थे, वहीं पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दफन किया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने 62 साल की उम्र अता फरमाई। मैंने कल बताया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी 62 है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र मुबारक भी 62, और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र मुबारक भी 62 में कुछ दिन कम थे कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह? जी लेकिन इस पर एक इश्काल होता है कि हदीस पाक में मौत की दुआ करने से मना किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने जलीलुल कदर, इतने बड़े मुहद्दिस होने के बावजूद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मरने की दुआ क्यों की, बददुआ क्यों की, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात वगैरह दिए हैं। उन सारे जवाबात को छोड़कर सिर्फ एक जवाब जो हजरत शेखुल हदीस साहब नवर अला मुरकदों ने हमें बताया था और हमें सुनाया था, वो मैं आप हजरत के सामने जिक्र कर रहा हूँ।
और वो ये है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बद्दुआ की, वो तकलीफों से डर कर, तकलीफों से परेशान होकर क्या है, अपने आप को तकलीफों से बचाने के लिए, अपने आप को तकलीफों से छुड़ाने के लिए बद्दुआ या दुआ नहीं की थी, बल्कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मालूम था। हदीस पाक में आता है, मन आदाली वलियन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब, जो आदमी मेरे किसी वली को, किसी अल्लाह वाले को अगर कोई आदमी सताता है तो अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से ऐलान होता है कि जो आदमी मेरे मेरे बंदे मेरे दोस्त को, मेरे वली को सताएगा तो मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान है। ये हदीस जो है हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, इस वजह से कि हम किसी के पेशानी के ऊपर लिखा हुआ तो है नहीं कि ये अल्लाह का वली है या नहीं है। हमें हर एक की इज्जत और एहतराम करना चाहिए, लेकिन हर एक की बेइज्जती करना और हर एक के बे क्या है तौकीर को न करना, बुराई करना या उनके साथ लड़ना झगड़ना, तो हमने अपना शेवा बना लिया है। इस वजह से अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से हमारे साथ लड़ाई का ऐलान है। मैं बताया करता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के दरमियान में जंग हुई और उस जंग के नतीजे में मशरिकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। बहुत पुरानी बात है ये, समझ में आया। लेकिन उस वक्त भी न तो हिंदुस्तान ने लड़ाई का ऐलान किया था, न पाकिस्तान ने लड़ाई का ऐलान किया था, बल्कि झड़प हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बस यही बात होती रहती है। तो दुनिया में भी लड़ाई का ऐलान होता है हुकूमत की तरफ से, एक दूसरे हुकूमत की तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन वॉर डिक्लेयर बहुत ही मजबूरी के वक्त में और बहुत ही आखिरी वक्त में वॉर का डिक्लेरेशन होता है। जब ये बात समझ में आ गई तो अल्लाह तबरक व तआला ने जब इस हदीस में बता दिया कि मन आदाली वलियन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब, मेरी तरफ से उसके साथ लड़ाई का ऐलान है, तो अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से जब लड़ाई का ऐलान होगा तो फिर कौन कामयाब हो सकेगा। आज हमारे जो जिल्लत और हमारी जो परेशानी के जो असबाब है, उन असबाब में से एक सबब ये भी है कि हम किसी का एहतराम नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं करते, बल्कि सबको दलील करने के ऊपर तुले हुए हैं। खैर, ये दरमियान में बात आ गई और दरमियान ये चीज आ गई, इस वजह से मैंने तुम्हें बता दिया। तो हजरत शेख नवर अल्लाह मरकतो फरमाते थे कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि लोग मेरे दर्जे को, मेरे मकाम को सही नहीं समझ रहे हैं, या समझने के बावजूद भी हीर्स और लालच में आकर क्या है मेरे साथ इस किस्म का मामला कर रहे हैं, और जब इस किस्म का मामला होगा तो अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से मन आदली वलियन फकद आज़न तो बिल हर्ब की वजह से अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से इनके साथ ये परेशानी होगी, तो लोग मखलूक परेशान होगी। इस वजह से मखलूक को परेशानी से बचाने का एक ही रास्ता ये है कि मेरा ही इंतकाल हो जाए, मैं ही दुनिया से चला जाऊँ ताकि किसी को कोई तकलीफ न हो। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये दुआ की थी, अल्लाह तबरक व तआला ने कबूल कर लिया, और कबूल करने की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इशा के बाद लैलतुल सब्त में, इशा के बाद जो ईद की रात थी, इंतकाल हो गया, और ईद के दिन बाद जोहर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खरतंग में दफन कर दिया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कब्र में दफन कर दिया गया। इस दफन करने के बाद अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इकराम में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एजाज में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के एहतराम में अल्लाह तबरक व तआला ने जो सूरत हाल पैदा की वो ये है कि दफन करने के बाद, चूंकि इस मिट्टी के नीचे हदीस का बहुत बड़ा माहिर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीसों की सही हदीसों को जमा करने वाला और बहुत ही मुतबर्रक इंसान था,
इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी वजह से उस मिट्टी को, जो मिट्टी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक में डाली गई थी, उस मिट्टी में से मुश्क से भी बेहतरीन खुशबू आने शुरू हुई और पूरी कब्र क्या है मिट्टी के साथ मुअत्तर हो गई और सब क्या है सबको खुशबू महसूस होने लगी। अब जो लोग मुखालिफ थे उनकी भी आंखें खुल गई कि देखो ये तो कितने मुतबर्रक और कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, और चूंकि उनकी कब्र से मिट्टी में से खुशबू आ रही थी इस वजह से तबर्रुक के तौर पर लोग वहां से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र से मिट्टी को तबर्रुकन ले जाने लगे। इस वजह से अब हर एक ने वहां से मिट्टी उठाना शुरू की। जाहिर बात है कि एक जम्मे गफीर के भी जम्मे गफीर सुनाई दे रहा है कि नहीं जी? तो ये क्या हो रहा है तुम? ये जो ज्वाइन हो रहे हैं उनकी तरफ से आवाज आ रही है। वो नहीं, ये बंद क्यों हो जाता है? शुरू है। बहरहाल कहां तक मैं पहुंचा था? जम्मे गफीर मिट्टी वगैरह। अच्छा 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 जम्मे गफीर जब एक एक मुश्त भी मिट्टी लेंगे तो जाहिर बात है कि पूरी कब्र की मिट्टियां तो खत्म हो जाएगी। इस वजह से फिर लोग मिट्टी ले जाते रहे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिकीन जो थे वो उनके ऊपर मिट्टी डालते रहे। बस इसी तरीके से तवील जमाने तक ऐसा होता रहा और वो लोग मिट्टी डालते रहे और ये लोग तबरुकन मिट्टी ले जाते रहे। और फिर क्या है, जब मुतल्लिकीन थक गए तो उसमें से किसी ने जाकर वहां पर कब्र पर खड़े होकर कह दिया कि देखो आइंदा अगर कोई आदमी यहाँ से मिट्टी ले गया और ये आपकी कब्र क्या है मिट्टी से आरी हो गई, खाली हो गई, तो हम मिट्टी डालने वाले नहीं हैं, आपकी कब्र ऐसे ही खुली पड़ी रहेगी। बस ये कहना था कि इस कहने की वजह से उस वक्त से लेकर आज तक क्या है खुशबू वगैरह जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर ली और अब क्या है खुशबू वगैरह नहीं आती। खरतंग में आज भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मौजूद है। बहुत सारे लोग उस मज़ार मुकद्दस पर जाते भी हैं और क्या है जाने आने की सहूलतें भी है। खैर बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी क्या है सवाने तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन सवाने के खास खास फीसस और जो चीज़ें हैं मैंने आप हजरत के सामने जिक्र की कि इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 62 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 26 साल तक अपनी इस किताब को लोगों को पढ़ाई और इस लोगों को पढ़ाने में मर्दों को भी पढ़ाया और उस जमाने में औरतें भी पढ़ती थी, औरतों को भी पढ़ाया। चुनांचे बहुत सारे शागिर्दों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस किताब को पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। इसमें मर्द भी है और औरत भी है। इख्तिलाफ़े नुसुख की बात आएगी उस वक्त क्या है शायद मैं कुछ और भी ज्यादा बताऊं लेकिन अभी उसको यहीं छोड़ रहा हूं। एक दूसरी बात अभी तुम्हारे सामने कहना चाह रहा हूं इस वजह से इख्तिलाफ़े नुसुख को और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मर्दों ने भी पढ़ा औरतों ने भी पढ़ा। चुनांचे एक नुस्खा करीमा के नुस्खे के नाम से मशहूर है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शागिर्दा हैं जिन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बुखारी पढ़ी थी। खैर वो बाद में आ जाएगा। अभी इस वक्त जो मेरे जहन में बात चल रही है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के बहुत ही मुतबर्रक और बहुत ही पसंदीदा इंसान थे हदीस पाक की। उन्होंने बहुत खिदमत की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नूर नज़र थे। मैंने बताया था पहले तुम्हें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी किताब। इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये किताब कितनी पसंदीदा है और कितनी ऊँची है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को मेरी किताब से ताबीर फरमा रहे हैं। खैर इस वक्त मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी करामातें होती है लेकिन ये करामात के क्या है दफन के बाद मिट्टी में से खुशबू आने लगे
और वो खुशबू भी दुनिया की खुशबू नहीं बल्कि क्या है, कुछ और ही अजीब किस्म की मौजज़ और मोहतरम खुशबू। बहुत सारे सवाने हाथ और बहुत सारे बुजुर्गों के हालात वगैरह पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, लेकिन मेरा तो पढ़ना क्या बताऊं, मुख्तसर सा ही है, लेकिन उस मुख्तसर में भी मुझे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये जो सआदत और ये जो बुजुर्गी वाली बात थी सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक ही मुझे मिली है। हाँ, एक दूसरा शेख, शेख तफसीर मौलाना अहमद लाहौरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अहमद लाहौरी का भी एक मुस्तकिल क्या है तारीख है। पहले सिख थे, गैर मुस्लिम थे, और गैर मुस्लिम होने के बाद फिर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम को कबूल करने के बाद फिर वो क्या है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको तक्वा तहारत अता फरमाया और फिर वो शेख तफसीर बन गए। और लाहौर में रमज़ान में ख़ास तौर पर कुरान पाक की तफसीर किया करते थे। जिस ज़माने में मैं उर्दू पढ़ रहा था उस ज़माने में लोग क्या सुना था कि लाहौर में बहुत उम्दा बेहतरीन तफसीर होती थी, शेख अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर पढ़ाते थे, इनका इंतकाल हो गया। बहरहाल इनकी सवानी अगर मिल जाए तो ज़रूर पढ़ना, शेख अहमद लाहौरी मुफस्सिर कुरान मिल जाए तो ज़रूर पढ़ना, बहुत ही अजीब और बहुत ही बरकत वाले और बहुत ही नेक इंसान थे। यूँ कहते हैं कि उनका मैदा, उनका पेट कभी हराम गिज़ा को कबूल कर ही नहीं सकता था, अगर हराम गिज़ा खा ली तो फौरन कै या उल्टी वगैरह हो जाया करती थी। बहरहाल अल्लाह तबरक व ताला का बहुत बड़ा क्या है काम है जो अपने बंदों के साथ करते रहते हैं। इस वक्त मुझे बताना है कि उनका इंतकाल हो गया तो उस वक्त भी इनकी कब्र से जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र से खुशबू फैलती थी, यूँ कहते हैं कि उनकी कब्र से भी खुशबू फैलने लगी थी। खैर बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला की जो भी इताअत करेगा, अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो भी ताल्लुक रखेगा, अल्लाह तबारक व ताला जाहिर बात है कि दुनिया में भी उसको ऊंचा दर्जा अता फरमाएंगे। इस वजह से हमें तमाम ताल्लुकात को छोड़कर सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के साथ ताल्लुकात पैदा करने चाहिए और अल्लाह तबारक व ताला की नज़दीकी और कुर्बत हासिल करनी चाहिए। ये थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। गुज़िश्ता कल भी डेढ़ घंटा और आज का ये क्या है पौना घंटा समझ लो, तो दो घंटे तक मुसलसल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक ये हालात मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किए हैं। लेकिन इनके अलावा भी अगर तुम दूसरी किताबों में देखोगे, सवानों में देखोगे, तो बहुत सी बातें तुम्हारे सामने आएगी। बुनियादी तौर पर इतनी बातें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक कि इसका मुसन्निफ कौन, ये जो आप हजरात को इतना तो मालूम होगा कि मबादियात चल रहे हैं, रोऊ से समानियाँ चल रहे हैं, रोऊ से समानियाँ फिल फन तो ख़त्म हो गए थे, रोऊ से समानियाँ फिल किताब तुम्हारे सामने थी। इसमें इस किताब का लिखने वाला कौन, ये किताब क्या है, किताब किस वजह से लिखी गई है, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये तफसीली हालात मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया है, इसको याद रखना। अगर देखना हो तो इनके अलावा भी क्या दूसरे बहुत सारी उर्दू अरबी किताबों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल लिखे हुए हैं, बल्कि हजरत मौलाना शेख अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी किताब में मुकद्दमे सहीहुल बुखारी के नाम पर क्या मुस्तकिलन एक मुकदमा अरबी में लिखा हुआ है, आप हजरत के सामने हैं। और गुजारिश तो मैं हर साल करता हूँ कि उस मुकदमा को ज़रा देख लिया करना, लेकिन बहुत कम हजरत होते हैं जो उसको देखने वाले होते हैं। है आपके सामने ये? नहीं जी है। अच्छा, देखा भी होगा मेरे ख्याल से।
जी जी हाँ, पूरा देखा होगा। नहीं थोड़ा सा। अच्छा बस, चलो इतना एतराफ कर लिया काफी। हजरत मौलाना अहमद अली मोहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सहारनपुर के बहुत ही ऊंचे घराने के ये बेटे थे, और जैसे ऊंचे घराने के बेटे आमतन क्या है, बिगड़े हुए हुआ करते हैं, इस तरीके से हज़रत शेख अहमद अली मोहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इब्तदाई हालत उनका ऐसा ही था, और उस ज़माने में कबूतरबाजी का खेल चला करता था। जैसे आजकल तुम क्रिकेट वगैरह को, वॉलीबॉल वगैरह को अहमियत देते हो, इस तरीके से उस ज़माने में लोग कबूतर पालते थे और कबूतर को उड़ाया करते थे, और कबूतर के उड़ाने में वो उसको देखने में घंटों तक बाहर रहकर उस कबूतर को देखा करते थे, एक मशगला है था है उस जमाने में। हजरत शेख अहमद अली मोहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी उसी मशगले में लग गए। अल्लाह तबरक व ताला को उनको राह रास्त पर लाना था, हिदायत देनी थी, इस वजह से किसी वक्त में ये इस तरीके से कबूतर के साथ मशगले कर रहे थे कि किसी ने कोई तबसरा कर दिया कि देखो इतने ऊंचाने ऊंचे घराने का लड़का और इतना ऊंचा आदमी, लेकिन इसके बावजूद कैसे जलील काम में फंस गया है और कैसे बुरे काम में फंस गया है। हजरत अहमद अली मोहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के कान में ये जुमला पड़ा, बस इस जुमले के साथ ही अल्लाह तबरक व तआला को हालात बदलना मंजूर थी, इस वजह से उन्होंने फौरन इस बात को छोड़कर अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने मेहनत शुरू कर दी, और तमाम मशागिल को छोड़कर दीनी मशगले को उन्होंने इख्तियार कर लिया। और ये ज़माना हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बाद शाह इशाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का, हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नवासे होते हैं, उनका ये ज़माना था। बहरहाल उन्होंने हजरत शाह इशाक दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्म हासिल करना शुरू किया, और बहुत ही आला मेयार पर उन्होंने इल्म को हासिल किया। इल्म को हासिल करने के बाद ये मेरठ आ गए, और मेरठ में आकर उन्होंने एक मकतबा मतबा एक मतबा उन्होंने तैयार किया, और उस मतबे में इमाम अहमद शेख अहमद अली मोहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ के तबाह करने का, बुखारी शरीफ के लिखने का, बुखारी शरीफ के हाशिए का उन्होंने इंतज़ाम किया, और इंतज़ाम करने के बाद उन्होंने उस बुखारी शरीफ को उस मतबे में छापा। हज़रत शेख अहमद अली मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है हालात के साथ साथ इस वक्त बताने का एक मकसद ये भी है कि हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों दिल्ली में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जब हज़रत फारिग हुए, तो फारिग होने के बाद हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेख अहमद अली मोहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास मुलाजमत और तस्सीह बुखारी की मुलाजमत इख्तियार की, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये किताब और ये तबात जो तबाह हो रही थी उनकी तस्सीह का और उनके तबात का इंतज़ाम हजरत इमाम शाह मौलाना कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरठ में रहकर इख्तियार किया, और आखिर के चार या पांच पारे जो हैं उनका हाशिया हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कलम से लिखा। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला को इन हजरात की ये कोशिश इतनी पसंद आई और इतना अच्छा लगा कि आज हजरत मौलाना अहमद अली मोहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से लेकर आज तक
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो बुखारी छप रही है, जो बुखारी क्या है मिल रही है, जो बुखारी मुहशी है, वो सारी के सारी शेख अहमद अली मुहद्दिस सहनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तवज्जो वाली है। इस वक्त आपके सामने जो है वो भी यही है। अब चूंकि अरबों का जमाना आ गया, अरबी अरबी लिपि में भी होने लगी, इस वजह से हजरत मौलाना क्या नाम अहमद अली सहारनपुरी, वो जो मौलाना अहमद अली सहारनपुरी के तहवाल में बयान कर रहा हूँ, और ये बयान करने में मैंने जो कहा वो आप हजरात ने सुना ही नहीं, इस वजह से फिर हमने अहमद अली का लुकमा दे दिया। ये लुकमा गलत है। मैं ये कह रहा था कि हजरत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मतबा कायम किया और उस मतबे में जो बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी और उस बुखारी शरीफ का जो हाशिया उन्होंने लिखा मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और हजरत मौलाना कासिम नानोती आखिरी चार या पांच पारों का क्या हाशिया लिखा है और फिर इसके बाद ये किताब छपाई है। वो जो छपी हुई किताब है उसी जमाने से लेकर आज तक बुखारी एक ही तर्ज पर छपी हुई है, एक ही हाशिये पर छपी हुई है और मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो हाशिया है और हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह का है। अब इन हाशिये को तुम देखोगे या जो बैन सुतूर कहते हैं कि दो सतर के दरमियान में बारीक बारीक चीजों से क्या उसका कोई इशारा लिखा हुआ होता है, कोई लफ्ज की शरह की हुई होती है, वो सारी चीजें आज तक तो इसी तरीके से ये छपती रही। लेकिन मौलाना तकीउद्दीन नदवी मंदजिल्लुल आली ये मजाहिब के पढ़े हुए हैं, नदवा के भी पढ़े हुए हैं, नदवा में भी उन्होंने पढ़ाया है, फिर उसके बाद क्या है हमारे यहाँ गुजरात में तरकेसर में भी ये हदीस वगैरह पढ़ाते रहे हैं और फिर उसके बाद वो अभी अबू धाबी में क्या है मुस्तकिलन कयाम इख्तियार किया है और वहाँ के वो मुहद्दिस बने हुए हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा किताब की तबात के सिलसिले में मेहनत की। मौलाना तकीउद्दीन नदवी, डॉक्टर तकीउद्दीन नदवी रहमतुल्लाह मदजिल्लुल आली उन्होंने यही हजरत मौलाना अहमद अली साहब मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब और उनका हाशिया और बैन सुतूर वगैरह को अरबी लिपि में, ताकि अरब भी उससे फायदा हासिल करें, उन्होंने कई जिल्दों में छपवाया है और वो मिलता भी है और आपके मदरसे में भी शायद उसका नुस्खा होगा अगर देखना हो तो। बहरहाल मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, क्या थे और सहारनपुर में इनका क्या है इस्लामिक कॉलेज के पास मकबरा है, मजार है और ये बहुत ही ज्यादा क्या है ऊंचे लोगों में शुमार होते हैं और अल्लाह तबरक व ताला ने इब्तदाई हालत क्या थी, फिर इसके बाद अल्लाह तबरक व ताला ने कितने ऊंचे दर्जे पर पहुंचा दिया, ये सारी चीजें मैंने जिमन तुम्हारे सामने जिक्र की। और इस किताब का जो हाशिया है वो हाशिया और इस किताब में उन्होंने एक मुकदमा भी लिखा है जो मुकदमा सही बुखारी के नाम से है जो मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र किया, उसमें बहुत सारी बातें इमाम अहमद शेख मुहद्दिस अहमद अली मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह ने लिखी है, मौका हो तो उसको देख लेना। बहरहाल ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीली हालात जो आपके सामने आ गई। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की यानी मुसन्निफ की हालात के बाद अब तुम्हारे सामने मुसन्नफ जो किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है उसके मुतालिक तफसीलात तुम्हारे सामने आ रही है कि ये बुखारी क्या है, कैसी है, किस तरीके से है
और उस सूरत में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कब लिखी, कैसे लिखी, क्या लिखी, ये सारी तफसीलात तुम्हारे सामने अब जिक्र की जा रही है। इसलिए के मुबादियात जो समानिया थे उस समानिया में वाजे और क्या है बानी वगैरह का जिक्र किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब को जो लिखा है तो उस लिखने के सिलसिले में गुज़श्ता कल जरा सा मैंने इशारा बताया था कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या है के ज़माने में इनका इंतकाल 256 में हुआ है, यानि अगर कहा जाए कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल के 100 साल के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ, यानि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बाद के हैं। बहरहाल जिस वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे उस वक्त हजरत इमाम अहमद इबन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहया इबन मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसहाक़ इबन राहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह का जमाना था और ये हजरात मौजूद थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ क्यों लिखी या लिखने की वजूहत क्या है ये उसमें भी शुरह ने बहुत तफसील के साथ जिक्र किया है। एक वजह तो ये बताई है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मोर पंच के जरिए से इमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अदों से बदन अतहर से मक्खियां वगैरह को उड़ा रहे हैं। ये ख्वाब था, उस ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो बताया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में जो मौजू जो ज़ईफ जो गलत किस्म की रिवायतें उसमें शामिल हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ये काम लेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस सही हदीसों को अलग और मौजू हदीसों को अलग इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे लिखेंगे, आप मौजू को अलग करके हदीस को सही और मौजू से दोनों के दरमियान में तमीज़ पैदा करके अलग करेंगे। हजरत इसहाक़ इब्न राहवी इनके उस्ताद है, कहते एक मरतबा वो उनकी मजलिस लगी हुई थी, उस मजलिस में लोगों की तरफ से ये मुतालबा हुआ कि भाई अगर सही हदीस की कोई किताब अगर कोई लिख ले और सिर्फ सही हदीसें उसमें हो तो बहुत ही अच्छा है। ये बात वहाँ आई तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि मुझे इस किस्म की हदीस की एक मुस्तकिल किताब लिखनी चाहिए जिसमें सिर्फ सही हदीसें हो। दरमियान में फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी शाख के ऊपर पहुँचते हैं और वो है कि हदीस की जो ये सारी किताबें हैं इनको मुहद्दिसीन ने 5 हिस्से में तकसीम कर रखी है। इनमें से सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि वो किताबें कि जिसमें हदीसें सही है और जिसमें आँखें बंद करके हम हर हदीस को कह सकते हैं कि ये हदीस सही है और मोतबर है और भरोसा काबिल है, ऐसी किताबें 2 है जिनको सही हैं से ताबीर किया जाता है, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब, कि इसमें लोगों का इत्तेफाक है कि ये किताब सिर्फ सही है और सही हदीसें इसमें जो भी हदीस होगी वो हदीस सही होगी ज़ईफ वगैरह नहीं होगी, ये पहला तबका है। फिर इसके बाद दूसरा तबका है जिसमें तिर्मिज़ी और क्या है अबू दाऊद शरीफ वगैरह का नंबर है। फिर तीसरा दर्जा है जिसमें क्या है इब्ने माजा वगैरह का दर्जा है। बहरहाल फिर मसनद दारमी वगैरह और किताबें भी हैं कि जिसमें ज़ईफ हदीसें और क्या है मौजू हदीसें वगैरह सब मिली हुई है, जिसको क्या है आदमी को अमल करते हुए पढ़ते हुए उसको बार बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं ये सही है भी कि नहीं या उसकी सनद क्या है सनद कैसी है वगैरह को। बहरहाल तो ये 5 में से सबसे आला दर्जा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब को बुखारी को
और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब को सही मुस्लिम को दिया हुआ है और उसमें जितनी भी हदीसें हैं वो सब के सब सही हदीसें हैं। इसमें है बाज किताबों के मुतल्लिक उलमा ने बहस भी की है और क्या है कुछ हदीसें ऐसी है कि जिसमें क्या है लोगों ने कलम किया है लेकिन वो कोई ज्यादा नहीं। लेकिन एक दूसरी बहस यहाँ पर ये है कि इन दो किताबों में बुखारी और मुस्लिम में सबसे ज्यादा सही का यानी पहला नंबर पहला दर्जा कौन सा है, तो मगारिब के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिम का दर्जा बुखारी से भी बड़ा हुआ है और मुस्लिम बहुत ही क्या है ऊंची और सही किताब है। लेकिन मुहक्किकीन का कहना ये है कि मुस्लिम को है सही लेकिन उसको बुखारी के ऊपर फजीलत देना सही नहीं है, सबसे ज्यादा फजीलत असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह बुखारी, इस वजह से बुखारी का दर्जा बढ़ा हुआ है और बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शुरूत भी बहुत ज्यादा सख्त है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शर्त यह है कि अगर कोई रिवायत बयान करने वाला हो तो दोनों का जमाना एक होना काफी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों का जमाना एक होना नहीं बल्कि दोनों का कम से कम एक मर्तबा लिका और मुलाकात होना भी जरूरी है, तो उस सूरत में उनका लिका सही करा दिया जाएगा, सनद को सही करा दी जाएगी वगैरह। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दर्जा मुस्लिम से भी बड़ा हुआ है। खैर बहरहाल इस वक्त में बात कर रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ क्यों लिखी, तो उसकी ये वजूहत बयान की गई कि जिसकी वजह से उन्होंने ख्वाब देखा था या असातिज़ा का हुक्म हुआ या खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी दिल में दाइया पैदा हुआ कि सही हदीसों को गैर सही हदीसों के साथ एक तरीके से अलग करना चाहिए, और इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह किताब को लिखी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह किताब कितने दिनों में लिखी उसके मुतालिक ये है, दिनों में नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब को लिखने में 16 साल सर्फ किए। 16 साल तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 16 साल में इस किताब को लिखी। और इस किताब के मुतालिक खुद उन्होंने भी लिखा है कि मैंने इसको हरम शरीफ में और रियाजुल जन्ना में रौजा अकदस के पास रियाजुल जन्ना में बैठकर लिखा है। लेकिन जाहिर बात है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलसल 16 साल तक मक्का मुकर्रमा या रियाजुल जन्ना में मदीना मुनव्वरा में रहे हो इनकी तारीख से मालूम नहीं होता। इस वजह से उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फहरिस्त तैयार की, जो तराजिम तैयार किए, वो तराजिम उन्होंने मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में बैठकर और मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना में बैठकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारे तराजिम को क्या है तरतीब के साथ पहले लिखा और फिर इसके बाद हर तराजिम के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीसों के जरिए से क्या है उसको हदीस जिक्र की। लेकिन उससे उनके मुतालिक भी कहा जाता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कोई हदीस उस तर्जमतुल बाब के तहत में लिखने का इरादा करते थे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुसल करते थे, गुसल करने के बाद 2 रकात सलात इस्तिखारा या सलातुल हाजा पढ़ते थे और सलातुल हाजा पढ़ने के बाद फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गौर और फिक्र करने के बाद सही हदीस को जो उनको 6 लाख हदीसें याद थी उन 6 लाख हदीसों में से किसी हदीस को क्या है उसमें वो लिखते थे। बाद हजरत का कहना ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजा के साथ भी रहते थे। खैर बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये वरा और ये तकवा और ये एहतियात ये जाहिर बात है कि असर लाए बगैर नहीं रह सकता था और फिर ये असर लाया कि इनकी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली और आज 1400 साल हो गए इस किताब के मुकाबले में
दूसरी कोई किताब आ ही नहीं सकी, और इसी किताब को क्या है असरफुल कुतुब बाद किताबुल्लाह है अल बुखारी, इस तरीके से ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये किताब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये किताब मशहूर है बुखारी के साथ ही, इस वजह से अगर तुम कोई पढ़ोगे बताओगे तो उस सूरत में वो कहा जाएगा कि क्या पढ़ते हो, तो कभी बुखारी कौन पढ़ा रहा है फलाने किताब का, बुखारी कौन पढ़ा रहा है। बहरहाल बुखारी ही के नाम से मशहूर है, लेकिन इस किताब का नाम क्या है ये एक बहुत बड़ा मसला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब का जो नाम रखा है अल जामिउल मुस्नदुस सही अल मुख्तसर मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुननही व अय्यामी, इसके ऊपर एक किस्सा याद आ गया, लेकिन अब वो किस्से कहानी का तो वक्त है नहीं, लेकिन खुद मेरे ऊपर गुजरा था, इस वजह से जी चाहता है कि मैं बता दूं, इस वजह से कि हम में भी बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं कि पूरा साल बुखारी पढ़ते हैं, लेकिन इस किताब का नाम क्या है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने नाम क्या रखा है वो उनको याद ही नहीं होता, बस वही समझते हैं कि बुखारी बस काफी है। बास किताबें ऐसे मशहूर हो जाती है जैसे रद्दुल मुख्तार अल्लामा मोहम्मद इब्न आबिदीन शामी की, शामी के नाम से अब जो पूछा कि भाई शामी, तो वो शामी उनके नाम से वो मशहूर हो गई, हालांकि उस किताब का नाम है रद्दुल मुख्तार है। तो इसी तरीके से इस किताब का नाम जो है अल जामिउल मुस्नदुस सही अल मुख्तसर या मिन सुनन अल मुख्तसर मिन हदीस या मिन सुनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मही, इमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के हालात वगैरह इसमें बयान किए गए हैं। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब का नाम रखा है, और नाम रखा है अल जामिउल मुस्नदुस सही अल मुख्तसर मिन सुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब में, मैंने जैसा भी बताया कि 6 लाख या 9 लाख हदीसों में से 7,000 या 6,000 हदीसों को जमा किया, मुकर्ररात को जमा करके 2,000 की तादाद है वगैरह, मुख्तलिफ हजरत हाफिज इब्ने हजर ने, दूसरों ने, और अभी अनकरीब क्या है हमारे यहाँ मुरादाबाद में जो दारुलूम में वहाँ के शेखुल हदीस ने इस हदीसों को अपने तौर पर भी शुमार करके हदीस पर नंबर वगैरह लगे हैं, जो कि मुकतबा में छपी हुई अगर तुम्हारे पास होगी तो उसमें हदीस के ऊपर नंबर वगैरह भी लगे हुए होंगे। खैर बहरहाल ये किताब थी जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 16 साल में लिखी, और किस तरीके से लिखी वो भी मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखने के बाद इसको हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत यहया इब्ने मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह के सामने पेश की, उन्होंने इस किताब को बहुत पसंद किया। और इनके अलावा भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीफ और तौसीफ के लिए मैंने अभी बताया कि मौलाना अहमद अली मोहद्दिस शानपुरी रहमतुल्लाह ने ये जो मुकदमा लिखा है उस मुकदमे को इत्मीनान से मुताला करना, तो उसमें बहुत सारे मशाइख से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा मालूम होगा। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुख्तलिफ लोगों ने पढ़ी, उस जमाने में मतबा नहीं हुआ करता था, बल्कि उस्ताद पढ़ाने के लिए बैठता था और उस्ताद पढ़ाता चला जाता था, बोलता चला जाता था, शागिर्द लिखते चले जाते थे, जिनका हाफजा कवि होता था वो याद कर लेता था और जिनका हाफजा कवि नहीं होता था वो लिख लिया करता था। जाहिर बात है
कि उस जमाने में माइक का भी इंतजाम नहीं था, उस जमाने में क्या दूसरी सहूलतें भी वगैरह नहीं थी, इस वजह से बाज़ मर्तबा कोई अल्फाज पहुंचा कोई अल्फाज नहीं पहुंचा, इसकी वजह से भी फर्क पड़ जाता था। फिर बाज़ मर्तबा ये है कि मुसन्निफ खुद जब तस्नीफ के लिए बैठता है या तो उस वक्त और फिर उसके बाद जब उसकी तस्हीह के लिए बैठता है तो बाज़ मर्तबा उसमें अल्फाज को बदल लेता है। तो इसी तरीके से खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी ये नुस्खा जो था, तो जिन जिन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पढ़ा और जो उन्होंने उस वक्त समझा सुना लिखा, वो नुस्खा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब हो गया। और फिर उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि मुसन्निफ खुद बैठता है तो भी उसमें कमी बेशी हो जाया करती है, और उसकी मिसाल ऐसी है कि आप हजरात ने इस वक्त बुखारी पढ़ी, इससे पहले गुज़िश्ता साल भी किसी ने बुखारी पढ़ी होगी, तीसरे साल भी किसी ने बुखारी पढ़ी होगी। अब जो दोबारा फिर बुखारी पढ़ता है तो उसको मालूम होता है कि किसी बहस को उस्ताद ने इस वक्त ज्यादा लंबा कर दिया, किसी बहस को मुख्तसर कर दिया। तो इसी तरीके से तस्नीफात वगैरह में भी होता है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब बुखारी शरीफ उसके भी नुस्खे मुतअद्दद क्या है होने लगे और मुतअद्दद नुस्खे मशहूर हो गए। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसले को इख्तिलाफ़ नुसुख को तफसील के साथ तुम्हारे सामने जिक्र किया है। मैंने अभी बताया कि करीमा का नुस्खा है, फिर इसके अलावा हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास उस जमाने में नुस्खा था, मिस्र में का नुस्खा और था। इस वक्त चार नुस्खे बहुत ज्यादा मशहूर थे और इसमें सबसे ज्यादा मशहूर जो नुस्खा है वो फरबरी का नुस्खा कहा जाता है। फरबरी बुखारा में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के गांव के पास एक गांव है, उसमें ये हजरत रहते थे और इन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बुखारी पढ़ी, और एक मरतबा नहीं पढ़ी, दो मरतबा पढ़ी। एक मरतबा तो इमाम बुखारी से उन्होंने पहले पढ़ी, फिर इसके बाद जिस वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने वाला था उस इंतकाल से दो साल पहले उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दोबारा फिर बुखारी पढ़ी। तो गोया कि इनका ये नुस्खा आखिरी नुस्खा है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तस्नीफ फरमाया था। इस वजह से ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में यही नुस्खा जिस नुस्खे को फरबरी का नुस्खा कहा जाता है वो मशहूर है, और ये नुस्खा जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो फरबरी का नुस्खा है। और इसको फजीलत इस वजह से भी हासिल है जैसे मैंने अभी बताया कि इमाम बुखारी से सबसे आखिर में उन्होंने पढ़ा है, दोबारा पढ़ा है, और सबसे ज़्यादा वजह जो असल इस नुस्खे के मशहूर होने की ये है कि फरबरी ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद अपनी सारी ताकत इस किताब को पढ़ने पढ़ाने में लगा दी। इस वजह से उनके शागिर्द बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत ज़्यादा शागिर्द फैल गए, और जिसके शागिर्द ज़्यादा फैल जाते हैं उनकी किताबें उनका नुस्खा उनका इल्म क्या है मशहूर हो जाता है। इस वजह से ये फरवरी का नुस्खा क्या है मशहूर हो गया, और आजकल हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले जो हैं इसी नुस्खे को पढ़ रहे हैं और हमारे सामने यही नुस्खा है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये बुखारी और ये बुखारी का दर्जा कौन सा है मैंने अभी बताया, सहीहैन में दो किताबों का नाम आता है बुखारी और मुस्लिम। अब इन दोनों में किसका दर्जा बड़ा है उसमें भी क्या है इख्तलाफ है, लेकिन मुहक्किकीन की राय ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बुखारी का दर्जा बड़ा हुआ है। तीसरी बात ये बताई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये जो किताब है उस किताब का नाम क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब का तो नाम रखा है अल जामेउल मुस्नद सही, अल जामे मुस्नद और सही, अल मुख्तसर मिन सुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अय्यामिही। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नाम लिखा है इस किताब का, इसको
अच्छी तरीके से याद रखना। इस वजह से कि हमें यह नाम याद नहीं होता, मशहूर नाम है, वो मशहूर नाम ही के जरिए से हम क्या करते हैं उसको याद करते रहते हैं और यही हम समझते हैं कि ये इसका नाम होगा, हालांकि ये नहीं है। और इस सिलसिले में एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा भी है, अगर कभी मौका हुआ तो आप हजरत को वो जिक्र करेंगे, लेकिन खुलासा उसका यही है कि इस बुखारी का जो नाम है उस नाम को अच्छी तरीके से याद रख लेना। अब उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इख्तलाफ़ नुसूख और हदीस और तकरार वगैरह सब मुख्तसर मुख्तसर तुम्हारे सामने आ गया है। अब इसके बाद जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नाम लिखा नाम रखा है अल जामे अल मुसनद, तो जामे किसे कहते हैं, मुसनद किसे कहते हैं, अब इस सिलसिले में आप हजरत के सामने उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिक्र करने के बाद फिर इंशाल्लाह आगे तुम्हारे सामने जिक्र करेंगे। लेकिन अब तुम्हारे सामने 4:30 बजने में शायद 5 ही मिनट बाकी होंगे, कितनी बाकी है? 5 मिनट बाकी। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 से तो कुछ ज्यादा ही होंगे, 7 मिनट हो गए जी। तो फिर 5 क्या छुट्टी चाहते हो, थक जाते हो ना 2-1.5 घंटे बैठे बैठे जी? नहीं नहीं थके। अच्छा अल जामे, जामे उस किताब को कहा जाता है कि जिसमें 8 किस्म के मजामीन को जिक्र किया जाए। बुखारी में उन 8ों किस्म के मजामीन को जिक्र किया जाता है, इस वजह से इस किताब को अल जामे कहा गया है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम जामे है या मुस्लिम जामे नहीं है, तो इस मसले में इख्तलाफ है कि 8 चीज़ों में से एक है तफसीर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो तफसीर बहुत तफसील के साथ बुखारी में जिक्र की है, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत ही मुख्तसर तरीके पर तफसीर का तज़किरा किया है। इस वजह से बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि मुस्लिम में तफसीर नहीं है, और मुस्लिम में तफसीर न होने की वजह से मुस्लिम को जामे नहीं कहा जाएगा और बुखारी जामे कहा जाएगा, इस वजह से कि इसमें 8ों किस्म के मजामीन जिक्र किए गए हैं जिसमें तफसीर भी है और दूसरे अकसाम भी मौजूद है। लेकिन मुहक्किकीन की राय यह है कि मुस्लिम भी अलजामे है। आप हजरात जो किताब पढ़ रहे होंगे उसमें आपने देखा होगा कौन सी किताब के साथ जामे लिखा हुआ है। जामे तिर्मिजी, जामे और सही उल बुखारी दो ही हुई, तिर्मिजी के सामने और बुखारी के सामने। और जामे मुस्लिम नहीं लिखा जी? नहीं, सही उल देखो जरा खोल के देख ली, वो इसीलिए मैं तुमसे दिखलवा रहा हूँ ताकि पता चले कि कुछ हमारी भी गलती हो रही है। मुस्लिम नहीं जी? नहीं, मुस्लिम के सामने नहीं लिखा। सही और मुस्लिम लिखा। बहरहाल मुहक्किकीन की राय यह है कि मुस्लिम भी जामे में दाखिल है, इस वजह से जिस तरीके से बुखारी जामे है, तिर्मिजी जामे है, इस तरीके से मुस्लिम भी जामे है। इसमें तफसीर है लेकिन मुख्तसर है। और फिर जवाब ये दिया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ही चीज को बार बार जिक्र करते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ तकरार नहीं है, इस वजह से तफसीरी हदीसें जो दूसरे बाबों के में आ चुकी है इमाम बुखारी रहमत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब तफसीर में उनको दोबारा इयादा नहीं किया है। अगर उन हदीसों को जो दूसरे अबवाब में आई है अगर इसको तफसीरी तरीके पर जिक्र करते
तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर भी एक लंबी चौड़ी तफसीर हो जाती, इस वजह से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी अल जामियो सही कहा गया है। लिखा हुआ होगा अल जामियो सही, देख लेना मुस्लिम के लिए। बहरहाल मुस्लिम तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी किताब लिखी उसका नाम रखा अल जामे अल मुस्नद अस सही, अल जामे जिसमें 8 किस्म के मजामीन हो, जिसमें तफसीर भी है, और फिर जामे में मुस्लिम जामे में दाखिल है या नहीं है, इस बात को खत्म हो गई। अब उसके बाद जो दर्जा आता है अल मुस्नद का आता है। मुस्नद का माना है सनद वाला होना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हदीसें जिक्र की सब हदीस को मुस्नद करार दिया, किसने किससे सुना, कब सुना, किस तरीके से सुना, और ये एक मुस्तकिलन फन बन गया जो सिर्फ इस उम्मत का खासा है अस्माए रिजाल का, के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इतने लोगों ने सुनी, वो लोग अखलाक के एतबार से, आदात के एतबार से, अमल के एतबार से किस दर्जे के थे, कैसे थे, उनका हाफजा कैसा था, उनका हाफजा जवानी में अच्छा था, बुढ़ापे में उनके ऊपर बुढ़ापा तारी हुआ तो फिर भूल चूक तारी हुई या नहीं, ये सारी बहसें अस्माए रिजाल में की जाती है। और अस्माए रिजाल में क्या है, हर एक आदमी के अहवाल वगैरह लिखा हुआ मौजूद है, मुस्तकिलन एक फन हो गया है फन अस्माए रिजाल। आज तक हदीस की रिवायत करने वाले कौन थे, क्या थे, कहाँ के थे, कैसे थे, कहाँ से पढ़ा, कैसा पढ़ा, मोतबर थे, गैर मोतबर थे, सिका थे, सिका नहीं थे, वो सारी बातें उसमें जिक्र की जाती है। पहले ये भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब चंद साल से क्योंकि हमारी रगबतें नहीं रही, हमारे हफ्जे भी नहीं रहे, इस वजह से अब मुदर्रिस भी और इसी तरीके से मुतालिम भी, तालिब इल्म भी इस अस्माए रिजाल की बहस को निकाल चुके हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हालांकि ये भी बहुत ही ज्यादा अहम है। खैर बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये किताब जो लिखी इसमें हर किताब को सनद के साथ लिखी। अब सनद के सिलसिले में, सनद किसे कहते हैं वो तो आप हजरत को समझ में आ गया होगा। अब सनद के सिलसिले में मैं तीन हिस्से करता हूँ। एक तो तुमने जो किताब पढ़ी या जो हदीस पढ़ी वो किससे सुनी, उसका ताल्लुक कहाँ तक है, फिर इसके बाद दूसरा ताल्लुक साहिब किताब तक, और तीसरा साहिब किताब से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला, एक बात दरमियान में रह गई अभी याद आई फिर बता दूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को दूसरे किताबों पर बचन वजूह फजीलत हासिल है। इनमें से एक वजह यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में सुलासियत को जिक्र किया है। सुलासियत यानि वो हदीसें के जिसमें रावी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ तीन ही वास्ते हो, उसको सुलासियत से ताबीर किया जाता है। सूफिया के यहाँ और मुहद्दिसीन के यहाँ जरा सा इख्तलाफ है। मुहद्दिसीन के यहाँ तो जितने वास्ते कम हो वो सनद उतनी ज्यादा कवी, उतनी ज्यादा मोतबर और उतनी ज्यादा कीमती समझी जाती है। इसी वजह से हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सनद अन मालिक अन नाफे अन इब्ने उमर, इमाम हाफिज क्या है इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सनद, ये सिलसिलतुज़्ज़हब कही जाती है। क्यों? इस वजह से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान में सिर्फ दो ही वास्ते हैं, नाफे अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर। बहरहाल मुहद्दिसीन के यहाँ तो जितने वास्ते कम हो उतनी वो सनद बहुत ज्यादा कवी समझी जाती है। इसी वजह से मौजूदा जमाने में भी जिनकी सनद में वास्ते कम होंगे वो सनद को ज्यादा मोतबर समझा जाता था। बहरहाल हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी वाला सिलसिला हो या अभी गुज़िश्ता साल राजस्थान में एक बहुत बड़े मुहद्दिस का इंतकाल हुआ, उनकी उनका क्या है
वास्ता भी सनद में कम आदमियों का था, इस वजह से वो बहुत मोतबर समझे जाते थे। खैर बहरहाल अब तो किताब छप चुकी है, इस वजह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्ते कम होने की वजह से क्या है उनका दर्जा बड़ा हुआ होता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में 22 हदीसें जिक्र की है जो क्या है सोलह सियात के नाम से मशहूर है। इसी वजह से तुम किताब पढ़ोगे तो हाशिए पर बहुत बड़े कलम से सोलह सियात लिखा हुआ मिलेगा। यानी ये वो हदीस है कि जो सिर्फ तीन वास्ते से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फजीलत या बुखारी की फजीलत के एक वजह में से किए हैं। दरमियान में एक बात और बताता चलूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फजीलत की वजह से, सुलासियत की वजह से बुखारी को फजीलत है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिनका दौर इमाम बुखारी से 100 साल पहले का है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की हदीस या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हदीस, तो फिर सोलासियात की जगह पर सोनाइयात ही होगी। एक वास्ता और एक सहाबी का वास्ता और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसनद, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हदीसों का दर्जा बहुत ही बड़ा हुआ होना चाहिए। खैर लेकिन एक तीसरी बात ये भी याद रखना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सोलासी याद जिक्र किए हैं, 22 हैं, इनमें से अक्सर के जो रावी हैं वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द के शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द नहीं, शागिर्द के शागिर्द हैं, जिनके वास्ते से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या है सोलासी याद को तुम्हारे सामने जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा जी घबरा रहा होगा, नहीं? अच्छा, अभी असर तक बैठकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहो फिर। जी ठीक है, ठीक है, पढ़ो फिर। तो अब मैं हदीस के तीन हिस्से तुम्हारे सामने करता हूँ। एक तो मुझ से लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक, दूसरा हिस्सा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर साहिब किताब तक, और तीसरा हिस्सा साहिब किताब से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आइंदा इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी तफसील के साथ बहस करेंगे। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك। फिर कह रहा हूँ कि देखो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ सुनना ही है, लेकिन जो सुना है उसको तकरार करना, याद करना, याद रखना, ताकि आगे चलकर काम आए और आगे चलकर तुम्हारे लिए मुफीद हो। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम।